हेलो, क्या आप भी मेरे जैसे रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन उसे घर बनाना चाहते हैं, एक होमली फीलिंग लाना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, डेडिकेटेड है कुछ रेंटल डेकोर हैक्स पर। तो सबसे पहले मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ, नो सोफा अरेंजमेंट। बहुत सारे रेंटल टेनेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम स्टार्टिंग में सोफा नहीं लेना चाहते हैं, जरूरत है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। तो अगर आप सोफा नहीं ले रहे हैं तब भी आप बहुत ही स्टाइलिश, मॉडर्न, ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न इंडियन सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ मैट्रेस की ज़रूरत है। वॉल डेकोर आइडिया के लिए मैंने कुछ फ्लावर्स लिए हैं, ये फेक फ्लावर्स हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है और टू वे टेप से स्टिक किया है। यही वॉल आर्ट है जो इसे एक मॉडर्न टच देगी। अदरवाइज अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट मैट्रेस का रखते हैं, उसमें कुशंस रखते हैं, तो वो थोड़ा इंडियन टच देता है, लेकिन बाकी चीज़ों से आपको इसे मॉडर्न बनाना होगा, जैसे मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ। बेडशीट की जगह मैंने थ्रो का इस्तेमाल किया है और नॉर्मल कुशंस की जगह मैंने कुछ कलरफुल कुशंस का इस्तेमाल किया है, जस्ट टू गिव दैट मॉडर्न टच। सिंस ये जो फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट है प्रॉपर इंडियन टच देता है, तो यहाँ से मैंने सारी डेकोर एसेसरीज रिमूव कर दी है जो इंडियन ट्रेडिशनल डेकोर एसेसरीज थी, और वही चीज़ें ऐड करी हैं जो मैंने DIY किए थे। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपका फर्स्ट रेंटल अपार्टमेंट है और आपको DIY में इंटरेस्ट है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए, एडिंग सम ग्रीन प्लांट्स ताकि इसे एक फ्रेशनेस मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ऐसा क्यों कहती हूँ कि आप DIY करके चीज़ें रखें, इसलिए क्योंकि अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो वो चीज़ यूनिक होगी और आपके घर को एक पर्सनलाइज्ड टच देगी जो आपको और किसी के घर में देखने नहीं मिलेगी। तो बस इस तरीके से हमारा ये छोटा सा लिविंग रूम का कॉर्नर तैयार है जो फर्स्ट रेंटल अपार्टमेंट के लिए बेस्ट आइडिया है। रेंटल अपार्टमेंट हो या ओन प्रॉपर्टी, बेडरूम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके घर का, जहाँ पर आपको एक पर्सनल स्पेस मिलती है, प्रॉपर स्लीप मिलती है और तो और एक बैलेंस मूड भी प्रोवाइड करता है बेडरूम। तो अपने ओनर से ज़रूर बात करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, कि आप किसी एक वॉल को एक कलरफुल टच देना चाहते हैं। कोशिश करिए आप छोटी वॉल को ही टारगेट करें ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर वॉल डेकल्स फॉर रेंटल टेनेंट्स। जी हाँ, जैसे वॉलपेपर होता है वैसे ही ये वॉल डेकल्स आते हैं जिन्हें आप छोटे छोटे हिस्से में काट कर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिशनल टच प्रोवाइड किया है यूजिंग दिस वॉल डेकल, जो येलो कलर के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इन्हें व्हाइट कलर पर भी लगा सकते हैं। किसी का पहला रेंटल अपार्टमेंट है और अगर उसने बोहो टच नहीं दिया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोहो वर्ड सुना होगा, बोहेमियन डेकोर सुना होगा। तो बस अगर आप भी इंटरेस्टेड है ऐसा कुछ करने में, तो आपको जरूरत है एक फंकी डेकोर पीस ऐड करना है। जैसे यहाँ मैंने टेराकोटा पॉट लिया है, दिस इज एक्चुअली अ प्लांटर जिसे मैंने पर्पल कलर प्रोवाइड किया है। ये पेस्टल कलर है, बहुत प्यारा लुक देता है, पेस्टल कलर्स आर सो इन ट्रेंड, तो बस यही कलर सेलेक्ट किया है मैंने। और इसकी जो नोज है आप देख सकते हैं काफी पॉइंटेड बनी हुई है, इस पे मैंने स्टिक किया है ये पॉम पॉम, और इतना सिंपल आइडिया है और आपके पास तैयार होगा एक फंकी डेकोर पीस। मूविंग ऑन, हमने डेकोर हैक्स की तो बहुत बातें कर ली, लेकिन क्या मतलब अगर आप अपने घर को क्लीन नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उतना ही डेकोरेशन करें जितना आप हैंडल कर सकते हैं, जितना आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने घर को क्लीन और मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें स्पॉइल होना शुरू हो जाती हैं और वो स्पेस ही खराब लगने लगती है, और बाद में आप रिग्रेट करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा सामान रख लिया, अब इतना तो क्लीन ही नहीं हो पाता है।
क्या क्या चीजें हटाए और क्या क्या चीजें ऐड करें। तो बेटर है आप क्लीनिंग स्केड्यूल बना लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जब मौका मिले आप तब क्लीन करिए, जैसे मैं करती हूँ। मेरा छोटा बेबी है तो मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे जब मौका मिलता है मैं तब क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, चाहे वो सुबह शाम या दोपहर हो। तो अभी इवनिंग टाइम है, मैंने अपनी आउटडोर स्पेस और लिविंग एरिया को टारगेट किया है। ऑल्सो गाइज, मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका पहला रेंटल अपार्टमेंट है और आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, तो आपको कोई हाई फाई टूल्स और टेक्निक की जरूरत नहीं है अपने घर को डस्ट फ्री बनाने के लिए। आप छोटे छोटे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि ये ब्रश। इसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत हार्ड नहीं है, ये किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ मैं सोफा क्लीनिंग, बेड क्लीनिंग और कारपेट क्लीनिंग के लिए यूज करती हूँ। बहुत इजी टू यूज है, इजी टू हैंडल है, कहीं रखने के लिए बड़ी जगह भी नहीं चाहिए। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, कबर्ड में रख सकते हैं, ड्रॉअर में रख सकते हैं और इस तरीके से घर को क्लीन और मेंटेन रख सकते हैं। आप रेंटल टेनेंट हैं तो ट्राई टू बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है कुछ ऐसी चीज लेकर आएं या क्रिएट करें जिसे आप मल्टीपर्पज यूज कर सकें। जैसे ये पॉप्सिकल स्टिक से मैंने तैयार किया था एक वॉल डेकोर आइडिया इन अर्ली 2021, जिसे मैं अभी तक यूज कर रही हूँ। जी हाँ, जो भी DIY है मैं कोशिश करती हूँ मैं ज्यादातर उसे यूज करती रहूँ, फेंकू नहीं, मतलब पैसे बर्बाद नहीं, आइडिया बर्बाद नहीं। तो इसे बनाना भी बहुत ईजी है। इस तरीके के 12 स्क्वायर्स आपको जोड़ने हैं फेविकॉल्स या हॉट ग्लू गन की हेल्प से, और इसे किसी भी कलर्ड वॉल पर लगाइए गोल्ड स्प्रे पेंट करने के बाद। ये बहुत प्यारा लगता है। मैंने यहाँ गोल्ड स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया, आप अपने फेवरेट कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब देखिए कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ, एक ऑर्गेनाइजर के फॉर्म में, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसे आप अंदर कबर्ड में भी हैंग कर सकते हैं, वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। दिखने में प्रिटी है और सबसे अच्छी बात है फंक्शनल है। तो बस आज का वीडियो यही था। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग आइडियाज पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।